फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु भास्कर। आज इस वीडियो में टोटली नेचुरल केयर के ऊपर हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कौन सा इंग्रेडिएंट के माध्यम से हम लोग एक पूरा बार्स का सेटअप को देखभाल कर सकते हैं। पूरा पूरी नेचुरल, एक बूंद भी मेडिसिन इधर गिरेगा नहीं। चाहे बार्स का इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, फेदर में कुछ प्रॉब्लम हो, मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, नेचुरल सीखेंगे, नेचुरल जानेंगे। और इसी को लेके अगर आप सेटअप को रन करवाते हो, चाहे आपके पास एक पीस बार्स हो, एक पेयर बार्स हो या 200 पेयर बार्स हो, आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। आपका बार्स हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा, लॉन्ग टाइम जिएगा। क्योंकि मेडिसिन, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, मेडिसिन में मेडिसिन का खिलाफ नहीं हूँ। हमेशा जब बीमारी पर, मतलब बीमार होते हैं ना बार्स, तो मैं मेडिसिन का ही गाइड करता हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, प्रकृति मदर नेचर हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और इसी मदर नेचर का जो इंग्रेडिएंट है, इसी से ही मेडिसिन का उत्पत्ति हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नया हो, ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि हमेशा मैं हर एक वीडियो में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके सेटअप का बार्स हेल्दी रहे, ब्रीडिंग अच्छा करे और बच्चा का ग्रोथ सही हो। कोई उटपटांग चीज़ या मनगढ़ंत कहानी सुनाता नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, आज के डेट में मेन जो समस्या है वो है इंडाइजेशन प्रॉब्लम। तो अजवाइन, जीरा, सौंफ और धनिया का पानी अब से ही डोज अगर आप यूज़ करते हो, तो उसी से आपका बार्स का क्रॉनिक डिजीज़ भी होगा, कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम, एबनॉर्मल बॉडी, डायरिया, लूज मोशन से आपको बहुत जल्दी एक महीना के भीतर आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मतलब ये जो चारों इंग्रेडिएंट का नाम लिया, इसको ढूंढने के लिए आपको मास में जाना नहीं पड़ेगा। ये हम लोगों का हर किचन रूम में अवेलेबल होता है, चाहे आप वीडियो कहाँ से भी देख रहे हो। अजवाइन का सीड, जीरा का सीड, सौंफ का सीड और धनिया का सीड, चारों को एक ही इक्वल कंडीशन में रात में भिगो के रखना है। क्योंकि मैं देखिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा जी किताब आ रहा है, हर दिन बोल रही हूँ रिलीज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी रह जा रहा है बहुत सारे कामों के भीतर। लेकिन अभी एक दो दिन के भीतर बहुत ही जल्दी मैं रिलीज़ करवा दूंगा। लेकिन क्योंकि वो अगर जब तक रिलीज ना हो, बाकी काम पे मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ या टाइम निकलते जा रहे हैं। उसी से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। द ब्यूटिफुल फेदर मेरा किताब का नाम है, फर्स्ट टाइम इंडिया पे बार्स का केयर ट्रीटमेंट नेचुरल होम्योपैथिक एलोपैथिक में या बेबी केयर को लिए मैंने बात किया है जो हमको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये दिन में दो बार करके 15 डेज़ टू, जिसका जो सिचुएशन उसी में आगे बढ़िए, देखिएगा बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका बार्स का सर्दी, अभी तो विंटर आ रहा है, सर्दी जुकाम, बलगम, सांस लेने में तकलीफ, तो अदरक के साथ तुलसी या थोड़ा सा ब्लैक पेपर का जो थोड़ा सा चुटकी भर बॉईल करके अब उसको गुनगुना गर्म पानी में प्रोवाइड कीजिए। आपका बार्स का स्ट्रेस, बॉडी का जो पेन होता है, अदरक में नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल प्रोबायोटिक भी है, बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें थोड़ा सा मात्रा में डस्ट हल्दी आप प्रोवाइड करिए। आप ये भी कर सकते हो, जो हम लोग सॉफ्टवुड बार्स को देते हैं, तो छोटा छोटा कच्चा जो हल्दी होता है, कच्चा हल्दी बाजार में मिल जाते हैं, उसको छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करके सॉफ्टवुड के साथ मिला के दीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमेशा आपका बार्स का रोग प्रतिरोध क्षमता भरा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हल्दी का क्या बेनिफिट है आप लोग खुद जानते हो, जो अगर आयुर्वेद और नेचुरल के साथ जुड़े हुए। लेकिन अदरक के साथ आप हल्दी का डस्ट या थोड़ा सा ब्लैक पेपर या तुलसी, ये सारे मिला के आप प्रोवाइड कीजिए। सर्दी जुकाम, ये देखिए, अगर आपका बार्स का सीवियर कंडीशन में है तो नेचुरल काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो मोशन में, तभी जाके एलोपैथिक करना। मैं ये सिचुएशन, मतलब ये सारे चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, शुरुआत से ही अगर आप अपने सेटअप को ये सारे चीज़ प्रोवाइड करते रहे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको लिख कर भी दे सकता हूँ, ऐसे सिचुएशन ही पैदा नहीं होगा जो इसके मेडिसिन का प्रयोग करना पड़े। इसलिए अदरक का पानी, उसके साथ तुलसी, कभी कभी अदरक के साथ आप अजवाइन को मिला के दीजिए, मतलब ये कॉम्बाइन करके दीजिए। और ये सारे चीज़ कम्बाइन की उस कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ कौन सा मिला हम लोग सकते हैं, वो किताब में लिखा हुआ है, बहुत ही लो कॉस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। व्हाट्सएप में डिटेल्स मांगिए, मैं दे दूँगा। देन आप पुदीना का पानी यूज़ कीजिए, जो सेहत के लिए, शरीर को भीतर पे ठंडक रख पहुँचाते हैं, उसके साथ साथ डाइजेशन में मदद करते हैं, स्किन के लिए भी अच्छा है। और इसमें, और अभी तक जिस जिस इंग्रेडिएंट का मैंने नाम लिया, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन है इसमें,
भरपूर मात्रा में, इसको आप पूछिए मत। कल ही एक भाई ने फ़ोन किया था पटना से, उन्होंने बोला था फेदर का ग्लेसनेस कम हो जा रहा है। तो आप एक काम कीजिए, आप गुलाब का जल जल जो हम लोग बिरयानी ये सारे चीज़ में खाते हैं ना, गुलाब जल रोज़ वाटर जो पीने के लिए है, लगाने के लिए नहीं, पीने वाला गुलाब वाटर आप सप्ताह में 2 दिन करके 1 लीटर पानी में यूज़ करके देखिए। इसमें भी डाइजेशन इम्प्रूव होगा और बक्का बार्ड्स का फेदर के बहुत बेनिफिट मिलेगा। गुलाब के जाल के साथ आप एलोवेरा का जो जेली है नेचुरल, मतलब वो मिलावट वाला नहीं है, मतलब वो, हाँ आप लोग अगर अपोलो या डाबर का खरीदते हो कंपनी ब्रांडेड, तो इसमें कॉस्मेटिक चीज़ ज़्यादा नहीं होता है या नहीं होता है, एकदम रॉ चीज़ होता है। तो ये पीने के लिए भी है, नहाने के लिए भी है। आपका बार्स अगर इंटैक्ट करते हैं तो वॉर्म क्लियर होता है एलोवेरा से, स्किन भीतर से इंटरनली एक्सटर्नली बहुत हेल्दी बन जाते हैं, फेदर का ब्राइटनेस बढ़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। तो ये सारे चीज़ करके देखिए। गुलाब जल जो रोज़ वाटर है डाइजेशन में इम्प्रूव करते हैं, स्किन पे भी मदद करते हैं, फेदर में भी मदद करते हैं। उस पानी से नहाते हैं या पीते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत काम करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डिवॉर्मिंग के लिए आप नीम का पानी यूज़ कीजिए। अगर आपका निबार जो है नीम का पत्ता ऐसे कच्चा चिबो के खाते हैं तो डिवॉर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी नीम पानी से आप वॉर्म क्लियर नीम, उसमें साथ हल्दी भी मिला लीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर या थोड़ा दो एक दो तीन चुटकी हल्दी डाल के दीजिए। इस नीम हल्दी का वाटर में बॉडी डिटॉक्सिंग होगा, उसके साथ साथ वॉर्म भीतर में है क्लियर, तो एक दिन में नहीं होगा, बैक टू बैक 2 डेज, बड़े बार्स को 3 to 4 डेज देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एक बैक टू बैक कंटिन्यूएशन रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि मेरा सेटअप पे जो कुछ भी अभी तक मैंने बताया ये सारी चीज़ मैं खुद करता हूँ, फ़ायदे में हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये सारे चीज़ करके देखिए फ्रेंड्स, जितना आप बार्स को। और एक चीज़ जो प्रकृति के नियम के अनुसार सनसेट के बाद आपका बार्स का रेस्ट देना चाहिए, इसलिए ऐसे नहीं हो जो रात 10 बजे 11 बजे आपका सेटअप खुला हुआ हो, 6 बजे तक या 6:30 बजे तक बार्स को रेस्ट प्रोवाइड कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, नेचुरल डाइजेशन इंप्रूव होगा, बॉडी डिटॉक्सिंग होगा, हीलिंग बॉडी का हीलिंग पावर बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ करके देखिए। आज तक कोई मिलावट वाला वीडियो नहीं बोला या किसी को झाड़ के नहीं बोला, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इतने सालों का जो शेयर कर रहा हूँ। करके देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और भी वैरायटीज़ है नेचुरल में जो आप मिला के दे सकते हो, बहुत सारे वीडियोस भी है इस चैनल पे, थोड़ा सा टाइम लेके आप सर्च करके नॉलेज लीजिए जो फ्री में है। फिर भी अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप कीजिए, और बीच में बोल कर रख रहा हूँ वी प्लस पहुँचेगा, जो जो लोग ऑर्डर दिया है थोड़ा सा इधर उधर टाइम लग रहा है लेकिन पहुँच जाएगा, मैंने फिर रिपोस्ट कर दिया, पहुँच जाएगा, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम जा रहा है लेकिन पहुँच जाएगा। दूसरी बात ये पे है, मैंने और एक चीज़, हाँ अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, भूल गया मैंने, बाद में कोई वीडियो में याद आएगा तो बता दूंगा। तो ये सारे चीज़ नेचुरल केयर करके देखिए आपका बार्ड्स का ब्रीडिंग, हाँ ब्रीडिंग के लिए जो अभी मैंने बोला, आपका बार्ड्स का मान लीजिए ब्रीडिंग सही से नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी नहीं आ रहा है, या बच्चा का ग्रोथ तो मतलब लॉन्ग होता है ना, जो हम लोग खाते हैं इलायची और दालचीनी का तुमने को मिक्सन करके डास्ट, विंटर में बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत न्यूट्रिटेड चीज़ है जो शरीर में जाके ब्रीडिंग को जो हार्मोनल चेंजेस होता है सही करते हैं, विटामिंस वगैरह कैल्शियम वगैरह खुद पूरन करते हैं, इससे ब्रीड भी बहुत अच्छा मार्क्स करते हैं और एकदम फर्टाइल लेग ले करेंगे। करके देखिए, इसका एक सही प्रक्रिया है जो जानने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, या रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार वो किताब जो मैंने बाहर निकाला है, या और एक दो दिन के भीतर पूरा PDF इंग्लिश में आ जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और इस चैनल को थोड़ा सा फॉलो करके देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे आपको हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज आप लेते जाओगे। नमस्कार।